हेलो दोस्तों, इस समय हमारा डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का पेपर हो चुका है। तो जो पहला क्वेश्चन गुणनखंड का आया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा, ठीक है, ये सेकंड वाला विकल्प होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना हमारा एक्स प्लस टू, और यहाँ फाइव कॉमन होगा एक्स प्लस टू, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर क्या होगा ना, जो इसकी घातें बनेंगी कितना बनेगा बताइए। 243 का मतलब होगा हमारा 3 की घातें 6, ठीक है, 3 गुड़े 3, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 नहीं 3 की घातें 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प। एक कमरे के फर्द का क्षेत्रफल ये दिया गया है, ऊंचाई 2 कमरे का आयतन, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा हमारा 240। और इसका घातांकी रूप लिखा है, तो इसका कुछ नहीं करना है, 2/5 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। ये पहला वाला विकल्प सही आंसर होगा। लास्ट वाला लिखा था कि जो एक्स है ना, ये विषम संख्या है, और एक्स का मान या तो 3 है या तो 3 से बड़ा, मतलब एक्स का मान 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9 ये होगा। तो हमें बी में से एक को घटाना है, तो बी में क्या क्या है हमारा, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2, 6, 8, चौथा वाला सही होगा। और उसके बाद हमारा ये सब अति लघुत्तर ये सब है, ठीक है, ये सब आपने कर लिया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट रिजल्ट।